नादरी नादाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन, आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आई टी के टी आर ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। हैदराबाद में स्काई वीजा और स्काई वॉक्स के लिए महकमा दिफा की अराजी अलॉट करने के लिए की दरख्वास्त। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशन को सुनाए एक और खुशखबरी। महकमा वारी सतह पर जारी किए जाने वाले अलाउंस में इजाफे का ऐलान। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ईदगाह भोनगिर की तामीर नौ के लिए रखा संगे बुनियाद। अपनी जानिब से भी ईदगाह के लिए अतिया की फराहमी का किया ऐलान। रेवेन्यू हुकाम 10 एकड़ अराजी इजाफी रेलवे के हवाले करने तैयार। प्रोजेक्ट फरवरी 2025 तक होगा मुकम्मल। 3000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर दुनिया को देंगे बेहतर मुस्तकबिल। अमेरिकी कांग्रेस के मुशरक इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। मुकेश अंबानी अहलिया नीता अंबानी के साथ व्हाइट हाउस के डिनर में हुए शामिल। आनंद महिंद्रा सुंदर बचाई और इंद्रा नौई से भी बाइडन की शाही अमेरिकी शिरकत। और अब खबरें तफसील से। वजीर आई टी और बल्दी नाज़िम नक़्श के टी आर ने कहा कि मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से हैदराबाद में स्काई वीजा और स्काई वॉक्स के लिए महकमा दिफा के अराजी अलॉट करने की दरख्वास्त की गई है। वजीर के टी आर ने जो दिल्ली के दौरे पर हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। के टी आर ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। मरकजी हुकूमत ये कह रही है और ये हकीकत भी है कि रियासत तेलंगाना तेजी से तरक्की कर रही है और फैल रही है और कौम की तामीर में कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो हाथ बढ़ाएं और इस रियासत का साथ दें। इस तरह कौम की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। केटीआर ने याद दिलाया कि हमने मरकज से कई बार कहा कि हिंदुस्तान को भी फायदा होगा। केटीआर ने याद दिलाया कि अगर महकमा दिफा स्काई वीजा और स्काई वॉक के लिए जमीन मुख्तस करता है तो वो भी अराजी के लिए अराजी देंगे। हमारे वजीर आला ने खुद वजीर आजम से मुलाकात की। हैदराबाद शहर में हिन्दुस्तान का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। आई टी का शोबा भी तेजी से तरक्की कर रहा है। 44% आईटी नौकरियां सिर्फ हैदराबाद से आ रही हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद वैक्सीन की तैयारी का आलमी मरकज बन गया है। ये फार्मा और बायोटेक के साथ साथ आईटी, एरोस्पेस और दिफा के मैदान में एक बहुत बड़ा अहम शहर बन गया है। किसी भी तरह से ये शहर एक कौम साजी का शहर है। बराए करम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हमारी मदद करें। के टी आर ने कहा कि 9 साल से हम महकमा दिफा से स्काई वीजा की तामीर के लिए अराजी मुख्तस करने का मुतालबा कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि आज उन्होंने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और 4 चीजों के लिए खुसूसी अपील की है। हैदराबाद जिसे बढ़ते हुए शहर को मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। हमने ये भी कहा कि अगर स्काई वीजा की तामीर के लिए जमीन दी जाए तो हम दूसरी जमीन देंगे। हमने JBS से राजीव रोड तक स्काई वे की तामीर के लिए 96 एकड़ जमीन देने को कहा है। हमने कहा कि हमारी रियासती हुकूमत से जमीन अलॉट करेंगे ताकि इसका मुकाबला किया जा सके। हम पेटनी से नागपुर हाईवे तक 18.5 किलोमीटर स्काई वे बनाना चाहते हैं। हमने इसके लिए 56 एकड़ जमीन मांगी है। हमने कहा कि हम इसलिए भी जमीन के बदले जमीन देंगे। बदकिस्मती से वहां महकमा दिफा की जमीनें भी मौजूद हैं। वहां 1.5 एकड़ जमीन दरकार है, वो भी नहीं है। मरकजी वजीर से दरख्वास्त की गई है कि वो फौरी तौर पर जगह दें। हम हैदराबाद शहर में बड़े पैमाने पर नई लिंक सड़कें भी कायम कर रहे हैं। हमने तकरीबन 142 लिंक सड़कों का मनसूबा बनाया है। 2 और 3 कॉरिडोर के सिलसिले में महकमा दिफा की जमीनें रुकावटें खड़ी कर रही हैं। मरकजी वजीर से दरख्वास्त की गई है कि वो इन्हें भी इजाजत दें। तेलंगाना रियासत की दहाई तकारीब के मौके पर रियासती हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशन्स को एक और खुशखबरी सुनाई है। मुलाजमीन पेंशन्स को दिए जाने वाले अलाउंस में इजाफे के महकमा वार अहकाम जारी किए गए हैं। इस जिमन में जारी करदा जियो के मुताबिक मुलाजमीन के लिए सफरी और सहूलत अलाउंस में 30% इजाफा किया गया है। ट्रांसफर पर जाने वाले
मुलाजमीन के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 30% इजाफा किया गया है। छुट्टियों पर काम करने वाले लिफ्ट ऑपरेटर्स और गोताखोरों को इजाफी रुपये अदा किए जाएंगे। शेड्यूल एरिया में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए खसूसी मुआवजा अलाउंस 30% इजाफा किया गया है। माजूर मुलाजमीन को सहूलत अलाउंस रुपये 2000 से रुपये बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। मकान बनाने वालों के लिए दी जाने वाली एडवांस रकम की हद 20 लाख रुपये से 30 लाख कर दी गई है। कार खरीदारों के लिए पेशगी रकम को 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। मुलाजमीन के बच्चों की शादियों के सिलसिले में बेटी की शादी के लिए रकम 4 लाख, बेटे की शादी के लिए एडवांस रकम को 75,000 से 3 लाख कर दिया गया है। सरकारी तरबियती इदारों के मुलाजमीन को दी जाने वाली मराहत में 30% इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्रे हाउंड्स इंटेलिजेंस, ट्रैफिक CID, ऑक्टोपस और एंटीनेक्सलाइज स्क्वाड के महकमों में काम करने वाले पुलिस एहलकारों को भी दी जाने वाली खसूसी तनख्वाह का इतलाक 2020 के पे स्केल के मुताबिक किया जाएगा। पेंशन की मौत की सूरत में फौरी रिलीफ 2000 रुपये से 3000 तक बढ़ा देंगे। महकमा प्रोटोकॉल में फ़राइज़ सरंजाम अंजाम देने वाले तमाम जुमरों के मुलाजमीन में को 15% इजाफी खसूसी तनख्वाह दी गई है। इस हद तक रियासती हुकूमत ने महकमा वार अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ईदगाह बोनगिर की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वो ईदगाह की तरक्की के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए अपने तौर पर भी इस ईदगाह के लिए अतिया फराहम करेंगे। इनके इस ऐलान का तालियों की गूंज में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उन्होंने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मंसूरुल्लाह खान के वक्फ उमूर की मुनासिब देखभाल की सताइश की। इस मौके पर मुतालिका रुकन असेंबली और BRS के अखिलियती कायदीन और मुकामी अवाम की तहजीब की स्टेट। आज यहाँ बड़ी खुशी हुई कि बोनगिर टाउन के अंदर अभी मुझे बताया गया, वकील साहब ने भी बताया कि नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं रहती थी, लोगों को वहां से भिजा दिया जाता था कि यहाँ पर जगह नहीं है। आज इतनी बड़ी जगह जैसे शहर हैदराबाद में होती है वैसी जगह यहाँ पर आज ईदगाह के लिए अलाट करने पर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आपके हरदिल अजीज MLA साहब शेखर रेड्डी साहब ने जिस तरह जुस्तजू करते हुए जगह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लिए यहाँ के मुकामी लोगों की और हमारे कारपोरेटर हजरात की और जो जो लोगों ने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ताकि वक्फ बोर्ड की जमीन एक ईद के लिए नमाज के लिए इस्तेमाल में आ सके। तो इतनी बड़ी जमीन है, 3.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है ये। और इंशाल्लाह अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा है कि आने वाली बकरीद की ईद यही पड़ी जाएगी। JCP लगाकर और उनको अच्छा कर दिए। शेखर रेड्डी साहब ने कहा कि हाइटेंशन वायर हटा दिया जाएगा, बजट भी 2 करोड़ देने की बात की, हम जरूर इससे भी ज्यादा खर्चा होगा, मैं अपने तरफ से भी कुछ दूंगा, मगर हमारे CM साहब से भी जाकर और भी जरूरत पड़े तो हम शेखर रेड्डी साहब जाकर लाएंगे। बहुत अच्छी ईदगाह, मैं समझता हूँ हैदराबाद में नहीं तेलंगाना में नंबर 1 ईदगाह तो बोनगिर। मीडिया के दोस्त भी है यहाँ पर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहां जहां पर भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, CM साहब ने जैसा ही तेलंगाना बना उन्होंने उस जमीन की रजिस्ट्री साबिका में होती थी, साबिका दौर में वक्फ बोर्ड के जमीनात की रजिस्ट्री हो सकती थी, पर हमारे CM साहब ने 21A में डालकर सारे वक्फ बोर्ड के जमीनों की रजिस्ट्री रुकाने वाले को लीडर है वो KCR साहब। वक्फ बोर्ड की जमीन की हिफाजत करना है, अब जगह जगह बहुत अच्छे इस्तेमाल में आ रही है और जब से मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन बने हैं वक्फ बोर्ड में बहुत से सुधार आया है। वहां लोग पहले बहुत मायूस होते थे, तेलंगाना बनने के बाद CM साहब ने वक्फ बोर्ड को IT किया और सेकंड टर्म पे जब मसीहुल्लाह साहब बने तो बहुत ज्यादा टाइम देकर लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। वक्फ की जमीन जो होती है वो अल्लाह की जमीन होती है, उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद के नाम पर नहीं दी, वक्फ के नाम पे वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दी जमीन, वक्फ के मतलब ये करना हमारा फर्ज बनता है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद के नाम पर नहीं दी, वक्फ के नाम पे वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दी जमीन, वक्फ के मतलब ये है कि अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा जिम्मेदारी है और हमारे CM साहब इसे पूरी तरीके से अमलावरी ला रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बहुत मुश्किल से मिला है, 14 साल जद्दोजहद करने के बाद हमारे CM साहब ने तेलंगाना लाया है। तेलंगाना लाने से पहले तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, हैदराबाद छोड़कर 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे।
खलासी गुड़ा मिनिस्टर रोड पर नए तामीरशुदा पुल का जुमे को और वजीर अफजाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म नक़्श केटीआर की पहल सियासे एनडीपी के तहत शहर में सैलाब के मसायल को हल करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। इससे कबल सिंधी कॉलोनी, रसूलपुरा, मिनिस्टर रोड और कंटोनमेंट एरिया के कुछ हिस्सों के रिहायशियों को बारिश के मौसम में सैलाबी सूरतहाल का सामना करना पड़ता है। मिनिस्टर रोड क्रॉसिंग पर प्रकट नाला पर पुल की अजय सारे नौ तामीर और एसएनडीपी के तहत मुख्तलिफ मुकामात पर खलासीगुड़ा नाले की बेहतरीन के बाद सैलाब का ये दायमी मसला हल हो गया है। मिनिस्टर रोड क्रॉसिंग पर पिकेट नाले पर पुल में रुकावट की वजह से 2020 के मानसून के दौरान बेगमपेट के इलाके में ज्यादातर कॉलोनियों जेर आब आने के बाद ये काम शुरू किया गया था। पुल खत्ता हालत में था और तंग था, जिसकी वजह से रुकावट पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से बलाई वाले इलाकों में पानी भर गया था क्योंकि वहां आजादाना बहाव नहीं था। श्रीनिवास यादव ने मजीद कहा कि 20 करोड़ रूपये की इंतजामी मंजूरी के बाद मिनिस्टर रोड पर नाले पर रुकावट को दूर करने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ताकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड और सिंधी कॉलोनी के सैलाब ज़दा इलाकों को राहत फराहम की जा सके। तेलंगाना रेवेन्यू हुकाम ने रियासती हुकूमत की जानिब से रेलवे हुकाम को एक खत पेश किया है, जिसमें इन पर जोर दिया गया है कि वो कागजी पेट में मुतवातिर और हॉलिंग यूनिट पीओएच के तामीरी शुरू करें, जिसे वैगन की मरम्मत का वर्कशॉप भी किया जाता है, जिसमें अगले 2 माह के अंदर इन्हें 10 एकड़ इजाफी अराजी हवाले करने का वादा किया गया है। गर्चे काजी पेट में एक मुकम्मल कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का मुतालबा किया गया था, लेकिन रेलवे ने इसके बजाय पीओएच बनाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता जनवरी में प्रोजेक्ट के लिए 361.79 करोड़ रुपए की लागत से पावर मेक तकिशा ज्वाइंट वेंचर को ठेका दिया गया था। असल में ये वर्कशॉप सिकंदराबाद में तामीर करने का मंसूबा था, लेकिन बाद में इसे गाजी पेट मुंतकल कर दिया गया। पिछली यूपीए हुकूमत के दौर में वजारत रेलवे ने कोच फैक्ट्री के लिए 55 एकड़ जमीन की दरख्वास्त की थी। ताहम मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के उस वक्त के हुक्मरानों की जानिब से जमीन के हवाले करने में ताखिर की वजह से इस प्रोजेक्ट को इल्तवा में डाल दिया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने अयोध्यापुरम गांव के मजाफात में महकमा औकाफ की जमीन खरीदी, बाद में यह जमीन महकमा रेलवे के हवाले कर दी गई। ताहम मरकज की बीजेपी हुकूमत ने इस मनसूबे को रोक दिया था। ताहम बीआरएस हुकूमत के बढ़ते हुए दबाव की वजह से मरकज ने 2016-17 के रेलवे बजट में ऐलान किया कि खाजी पेट में एक मुतवातिर और हॉलिंग यूनिट पीओएच तामिर किया जाएगा। इस मनसूबे के लिए कुल 160 एकड़ अराजी दरकार थी, जिसमें से 54.32 एकड़ पहले ही रेलवे के लिए मुख्तस है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहीउद्दीन ने जीएचएमसी और एचएमडब्ल्यूएसएसबी के अहदेदारों के साथ अहमद कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, टोली चौकी, हकीम पेड, बख्शकराना स्टोर, पटेल गली, एनएसएफ कॉलोनी, टोली चौकी, बाल रेड्डी नगर, सात गुम्बद और अतराफ में जारी तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया। NP3 पाइपलाइन और बॉक्स टाइप ड्रेन बचाने से मुतालिक तमाम कामों को तेज करने के अहदेदारों को हिदायत दी है, क्योंकि हम मानसून के मौसम में दाखिल हो रहे हैं। इस मायने के दौरान एमएलए के साथ एमआईएम कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। मुत्तहिदा रियासत में इलाके तेलंगाना खुश्क और कत्तसाली से मुतासर होकर वीरान खंड रात में तब्दील हो रहा था। इलाके का पानी, इलाके का फंड और इलाके की मुलाजिमतें दूसरे इलाकों को दी जा रही थी, जिसके नतीजे में जायद अज 6 दहाइयों तक तेलंगाना का इलाका यकसर नजरअंदाज और दानिशा तौर पर हक तलफियों का इंसाफ से महरूम कर दिया गया था। बाबाए तेलंगाना के चंद्रशेखर ने नागुफ्ता हालत में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के जद्दोजहद शुरू करते हुए 14 साल पुरामन तहरीक के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल किया।
और तेलंगाना के बाद मरहले वार और इस पर अवामी जरूरियात को मलहूज रखते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए, जिसके सबब नई रियासत तेलंगाना का शुमार मुल्क की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मॉडल रियासतों में होने लगा है। इन ख्यालात का इजहार भारत राष्ट्रीय समिति के नौजवान अकलियती रियासती कायद जनाब मोहम्मद जुबेर पाशा ने आज जश्न तेलंगाना के तराजुर में टीटीवी से बात करते हुए किया है। उन्होंने बताया कि नई रियासत में महज 9 सालों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी सियासी बसीरत तजुर्बात और दूरअंदेशी की बिना पर अवामी जरूरियात की तकमील करते हुए हर एतबार से रियासत की तरक्की की शाहराह पर खड़ा है। मोहम्मद जुबेर पाशा ने मजीद बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर और मुकर्रा वक्त से कबल तकमील और रियासत के बेशतर इलाकों को सैराब करने के केसीआर का नाकाबिले फरामोश कारनामा रियासती आवाम की बहुत बड़ी जरूरत और किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में माविन है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से रियासती आवाम की तकदीर बदल गई है। शोबे ज़िराअत को जबरदस्त फरोग हासिल हुआ है। किसान माशी तौर पर काफी खुशहाल बन गए हैं। मोहम्मद जुबेर पाशा ने बताया कि एजेड फाउंडेशन कायम करते हुए गजवेल हल्के के अलावा दीगर इलाकों की जरूरतमंद अफराद बिलखसूस मुसलमानों की हर नवैया से माली मदद फरहम की जा रही है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत बुधवेल गांव में कत्ल की वारदात पेश आई। बस्ती में हुई दो खानदानों में लफ्जी जंग पर और मारपीट कत्ल की वारदात में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान श्रीनिवास के सर पर चोट लगी और वो अचानक नीचे गिर गया और हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। श्रीनिवास के सर पर चोट लगने से वो नीचे गिर गया और हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुकदमा दर्ज करके लड़ाई की वजह जानने की कोशिश कर रही है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने गुड्डी मलकापुर पुलिस के साथ मिलकर तीन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में दो पहिये की गाड़ियां, सेलफोन और लैपटॉप की चोरी का इर्तिकाब किया। इनके कब्जे से दो पहिये गाड़ियां, एक सेलफोन और एक लैपटॉप, कुल मालियत रूपये 8 लाख रूपये जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद रईस, मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद साकुबुद्दीन खान, सैयद अबुल हसन शामिल हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।